क्वेश्चन है, रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड? 10 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगी आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद। तो यहाँ पर क्या क्या आपको दिया है, देखो यहाँ पर आपको दिया है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है जो कि है आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपको टाइम दिया हुआ है जो कि है 10 सेकेंड। फिर दिया है आफ्टर द स्टार्ट, मतलब क्या दिया है यहाँ पर, यू दिया है जो कि 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, क्योंकि आफ्टर द स्टार्ट है। फिर आपसे पूछा है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, यानी कि डिस्टेंस पूछा है जो कि एस। तो यहाँ पर हमें ए टी यू और एस निकालना है और ए टी यू गिवेन है, यानी हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। यू 0 है, टाइम 10 है, प्लस हाफ अगेन एक्सेलरेशन 4 है और टाइम 10 का स्क्वायर है, तो इसलिए 10 मल्टीप्लाई 10 मैंने लिख दिया। यहाँ पर 0 की वैल्यू, तो यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 10 0 रहेगी, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 10 10 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200। तो यहाँ पर जो एस यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है वो आपकी 200 मीटर है। तो बहुत ही स्मॉल सा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसानी से आंसर आ गया आपका, उम्मीद है अच्छे समझ गए होगे। बस ये देखना है कौन सी वैल्यू गिवन है और यू और वी में थोड़ा सा तुमको फाइंड करना होगा कि कहाँ पर यू दिया है और वी दिया है, या तो क्लियर होता है कई बार, कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। जहाँ पर भी आफ्टर द स्टार्ट लिखा है मतलब यहाँ पर यू 0 हो गया आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।